तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में कि हम एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एक्सेल का यूज कहाँ है। आप बोले सर मैं तो यूज कर रहा हूँ ऑफिस में। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट यूज ऑफ एक्सेल, मतलब कि हम एक्सेल से क्या करेंगे, अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा आपसे पूछता है तो आप क्या उसको रिप्लाई करेंगे। ऐसे होते हैं हमारे रिश्तेदार में, नाना फूफा ऐसे होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं बट वो एजुकेशन से जुड़े होते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, तो सीरियस बात पूछे भाई एक्सेल से करते क्या है, आप समझाओगे अच्छा करते क्या है, ऐसी फीलिंग होती है। तो उनके लिए या आपके लिए भी शुरुआत में जान जाए कि आखिर हम एक्सेल, हमारा एक्सेल किस चीज़ के लिए बना है, वो चीज़ भी जान जाए। तो देखिए एक्सेल के लिए सबसे पहला जो इसका यूज होता है वो होता है डेटा स्टोरेज, ठीक है, डेटा स्टोरेज, देन कैलकुलेशन, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं डेटा एनालिसिस या डेटा रिप्रेजेंटेशन, ओके, और तीसरा होता है डेटा शेयरिंग। ये हम जो एक्सेल का यूज इन चार चीजों के लिए करते हैं, डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा शेयरिंग। अब इनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। अब हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सेल एक डेटाबेस है, डेटाबेस के मामले में अगर एक्सेल पे एक डेटाबेस बनाना हो उसके लिए एक्सेल सबसे बुरा सॉफ्टवेयर। कैसे? सबसे पहले इसके अंदर तो एक कैपेसिटी है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा डेटा नहीं डाल सकते। तो ऐसे तो 10 लाख की कैपेसिटी दी गई है, लेकिन अगर इसमें 1-1.5 लाख का डेटा डाल देंगे तो बहुत ही स्लो परफॉर्म करता है, बहुत हैंग होगा, आप इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया तो एक करप्ट होने की चांसेस होती है। सिक्योरिटी के बारे में बात कर दें तो अगर आपने पासवर्ड डाल दिया इस फाइल में और पासवर्ड भूल गए तो भूल जाइए फाइल को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट साफ बोलता है कि पासवर्ड रिकवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने पासवर्ड डाल भी दिया तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो पासवर्ड तोड़ देता है, कुछ पेड है कुछ फ्री है जो आपके फाइल का पासवर्ड तोड़ देता है। इसका यूज एक्सेल में आप ऑफिस में नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में जो होता है वो आपकी बहुत से अलाउ नहीं करेगा, आपका सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो एक्सेल डेटाबेस नहीं है, हमें वो नहीं कि एक्सेल डेटाबेस नहीं है तो फिर इसमें हम स्टोर क्या करेंगे। देखिए एक्सेल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो तीन तरह के डेटा स्टोर होता है। पहला मिसलेनियस डेटा, जैसे कि आप मान लीजिए कि अकाउंट में आप अकाउंट टीम में हैं, अकाउंट एचआर है या अकाउंट में हैं आप, तो वहाँ पे आपको अकाउंटेंट है तो आप पूरे खर्चे का हिसाब किताब पूरे ऑफिस की लेन देन आप टैली में रखते हैं, बीजी में रखते हैं, सैप में रखते हैं, फीको है, बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखते हैं, बट छोटे मोटे खर्चे जैसे कि पेटी कैश, अब 2 रुपए की फोटो स्टेट आपने की है उसके लिए टैली में लेजर थोड़ी बनाएंगे आप, तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे का हिसाब हम एक्सेल में रखते हैं। मतलब मिसलेनियस डेटा ऐसे डेटा जिसको हम सर्वर पे अपने सिस्टम पे अपलोड ना कर सके बट सीधा इंपोर्टेंट उसको हम एक्सेल में रखते हैं। दूसरा होता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं जिनके पास 8-10 हज़ार का डेटा कैपेसिटी है और हम लोग जो है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि फीको आपका जो बड़े बड़े ऑरिकल है, एसक्यूएल है, ऐसे डेटाबेस के स्टोर नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सेल का डेटाबेस बना कर रखते हैं, क्योंकि हमारा तो सिंपल सा डेटा एक पीसी एक कंप्यूटर का डेटा है इसलिए। तीसरा जो है वो कॉर्पोरेट में यूज होता है वो होता है एनालिटिक्स डेटा, मतलब जैसे आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई भी आपको एक रिपोर्ट बनानी है तो उस रिपोर्ट को बनाने से पहले आप उसका डेटा तो लाएंगे क्या, जैसे ये डैशबोर्ड हमारा एक बना हुआ है आपको दिख रहा है, डैशबोर्ड बनाया हुआ है, अभी जो डैशबोर्ड बनाया हुआ है जो अपने हिसाब से चल रहा है डैशबोर्ड है, इसके लिए मुझे इसका डेटा रखना पड़ेगा ना, करेक्ट, अगर ये डेटा ना रखेंगे तो डैशबोर्ड वर्क करेगा नहीं, नहीं करेगा ना सर नहीं। तो जो डैशबोर्ड हमारा है ये तभी वर्क करेगा जब आप
का डेटा हो, तो ये डेटा मुझे अपने सर्वर से डाउनलोड करके एक्सेल पे होल्ड करना पड़ेगा ना सर। तो इसलिए हम डेटा जो है एनालिटिक्स डेटा स्टोर करते हैं। तो हम डेटा जो एक्सेल में स्टोर करते हैं वो मिसलेनियस SME एंड एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करते हैं। तीसरा आता, दूसरा आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो विचार है, ये है कि कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऑरिकल यूज कीजिए, एसक्यूएल यूज कीजिए, या आप यूज कीजिए एक्सेस या पावर बीआई, वहां पे जो कैलकुलेशन है वो फिल टू फिल कैलकुलेशन। मतलब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स है, मुझे इसको कुछ करना है, तो कैलकुलेशन पूरा एफ और पूरा जी के बीच में पूरा एच कॉलम में रिजल्ट आएगा। किसी एक दो सेल में नहीं कर सकते। जैसे मुझे मान लीजिए ग्रोथ निकालना है, ग्रोथ, तो यहाँ पे क्वार्टर वन है, यहाँ पे क्वार्टर टू है। तो क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू में 60 है, और मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ग्रोथ। तो अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं या ना हो सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला नहीं है तो सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट एंटर प्रेस कीजिए और आप देखिए कि आपके सामने आ गया सर 20%। समझे? बिल्कुल। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस मैंने अभी आपको देखा है, रिप्रेजेंटेशन किसी डेटा को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं जो आपके सामने है, कि सेल्स डेटा को हमने एनालाइज किया हुआ अपने हिसाब से, मैं ईयर के हिसाब से डेटा को चेक कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए थ्री ईयर का फोरकास्ट है, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ें हमने की है एक्सेल पे की है, और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल पे होता है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो लेजेंड्स हैं, जो आइटम्स हैं, जो फील्ड्स हैं, हम ऐड डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बना बनाया डैशबोर्ड का टूल्स दे रहा है तो वो क्या होगा, वो फिक्स नहीं होगा, मतलब वो उसकी बनाए हुए टेम्पलेट, मतलब उसकी सोच पे आपको अपनी डेटा लेके चलना होगा। बट जब डेटा एनालिसिस हम करते हैं तो मुझे अपनी सोच अपना, क्योंकि हम डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होगा, हम डेटा में से एक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं जो सामने वाले को देंगे, ताकि वो अपने अपने उसको इस इन्फॉर्मेशन को अपने बिजनेस में, अपने सर्विसेज में यूज करके प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकता है, या फिर अपने सेल्स को ग्रोथ कर सकता है। यही होता है ना एनालिसिस। तो इसके लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए तो पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है ना एक्सेल के। देखिए हम बात करें डायनेमिक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक ईयरली जो है सेल्स से रिपोर्ट है ना, तो मैं यहाँ पे जैसे ईयर सेलेक्ट करता हूँ, मैं रिपोर्ट चेंज हो रहा है ना, बराबर। लेकिन ये चीजों के लिए मुझे क्या करना, पावर पॉइंट में चीज तो होगी नहीं, पावर पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, अगर 10 साल का डेटा है तो 10 अलग अलग चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, समझे। ऐसे यहाँ देखिए मुझे मोहन का रिपोर्ट मिल रहा है, मुझे मान लीजिए मोहन का सिर्फ मोहन का रिपोर्ट चाहिए, या फिर किसी पर्सन का रिपोर्ट चाहिए, इंद्र का चाहिए, तो क्लिक करते इंद्र का रिपोर्ट आ गया। हाँ सर, जब मैं ऑल पे क्लिक कर दिया तो ओवरऑल कस्टमर रिपोर्ट दिख रहा है, ऐसे ही ओवरऑल प्रोडक्ट टू का दिख रहा है, ऐसे यूरोप का दिख रहा है, मुझे यूरोप का देखना, यूरोप आ गया। यहाँ सब चीज़ आपसे चेंज कर दीजिए, मुझे ऑल का चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे यूरोप का चाहिए, आगे क्लियर है, clear. इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें पावर पॉइंट में नहीं हो सकती, मुझे इसके लिए अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए एनालिसिस। अब बात करते हैं शेयरिंग। देखिए शेयरिंग ना होता तो एक्सेल इतना पॉपुलर ना होता। अब शेयरिंग क्या है समझ जाइए,
हमने रिपोर्ट बनाया और आपको भेज दिया, मुझे पता है कि आपके पास एक्सेल होगा क्योंकि मोस्ट लोगों के पास एक्सेल है, ठीक है सर। देखिए रिपोर्ट तो पावर बीआई से भी बड़ी अच्छी बनाई जा सकती है, पावर बीआई के लें तो इससे भी बहुत अच्छी रिपोर्ट बनती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने इसकी रिपोर्ट आपको भेजा तो मुझे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, नहीं तो पावर बीआई की फाइल भेजना पड़ेगा। पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा तो आप अपने हिसाब से मनचाहा चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने पावर बीआई के भेज दिया तो आपको पावर बीआई को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई एक रिपोर्ट देखने के लिए 500 MB का फाइल डाउनलोड थोड़ी करेगा सर, 500 MB डाउनलोड थोड़ी करेगा, समझे। बट एक्सेल की फाइल मैंने आपको भेजा तो आपके पास एक्सेल होगा, एक्सेल नहीं है तो एक्सेल व्यूअर होगा, एक्सेल व्यूअर नहीं तो ओपन एनर्जी या सिम्फनी होगा, लोटस होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आप जीमेल पे जाके फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने फाइल भेजा तो आपके पास मिला, इसलिए इतना पॉपुलर है। तो कहा जाए अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक्सेल का क्या यूज करते हैं तो सिंपल आप बोलेंगे डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड सेविंग ऑफ द डेटा, सिंपल। उसके आगे सवाल नहीं पूछेगा।